हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इनर ट्रस्ट क्लासेस। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका रोल जो गवर्नेंस में है, हमने वो पढ़ा था। तो चलिए हम उसके जो भी रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पोर्टल बनाए गए हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, तो उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपको हेल्पिंग रहेगा ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ पाना। ए लार्ज नंबर ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम सम लोकल बॉडीज एंड द नंबर इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। देखिए, जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर तो रहे हैं, मतलब वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे पंचायती राज हो गया, तो ये जो हैं ये भी कुछ ऐसे पोर्टल्स तैयार कर रहे हैं जिनके जरिए ई गवर्नेंस जो है वो हमारे ग्राउंड लेवल तक लाया जाए, हमारे बॉटम तक लाया जाए। ठीक है, ई गवर्नेंस जो है दिस इज़ ए मिशन मोड प्रोजेक्ट इन पंचायत्स। जो ई गवर्नेंस है मतलब वो ई पंचायत्स में ना एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करा गया है। इन इसमें क्या है, 2,50,000 पंचायती राज वर आइडेंटिफाइड टू डिलीवर ई गवर्नेंस सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन। अब देखिए, गांव में बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ई गवर्नेंस का ना मतलब ऑनलाइन कोई सर्विसेज गवर्नमेंट से लेने का, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन किसी पोर्टल के जरिए पाने का, उनको तो इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं होती। लेकिन ई पंचायत लाई गई है और एक ऐसा मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें मतलब आप मान के चलिए 2.5 लाख पंचायती राज आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जो डिलीवर करेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन। अब जैसे एक रीसेंट इनिशिएटिव है भूमि, भूमि जो है एक कर्नाटका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आपने सुना होगा पहले ज़मीन को लेके कितने मतलब वो रहते थे, कोई किसी की पेपर चोरी से वो कर लेता था, कोई किसी की ज़मीन हथिया लेता था। अब ऑनलाइन सिस्टम है तो लैंड रिकॉर्ड रखने में और लोगों को लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने लाई है। तो उसके बाद जैसे एक किलकारी है, किलकारी फॉर वुमेन हेल्थ। किलकारी एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है, ये इनका कोई एक पर्टिकुलर इन्होंने नंबर प्रोवाइड किया होता है। यहाँ पे वुमेन को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में उनको बड़ी सारी मतलब सुविधाएं मिलती हैं उनके हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए। तो ये भी ई गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि हमारी जो ई गवर्नेंस है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को डील नहीं करता, ये हमारे जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है ये वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। निक्षय, निक्षय जो है वो फॉर टीवी पेशेंट्स के लिए बनाया गया है कि ताकि जो टीवी पेशेंट्स हैं जिनको मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो उनको वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट दिया जाए और उनको जो पेशेंट फ्री बनाया जाए। और जो टीवी है मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से अभी कोविड की वजह से तो बड़े सारे ऐसे मतलब हॉस्पिटल्स में जाना मुश्किल है, दवाई लेने जाना भी इवन बहुत मुश्किल है। तो जो निक्षय है वो ये रोल परफॉर्म कर रहा है। जैसे ई संजीवनी है, ई संजीवनी जो है वो प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ही ई वेन प्रोजेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन और विजाइन स्टॉक्स। अब ई वाइन प्रोजेक्ट जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा आपको कि उनके पास स्टॉक में कितनी मतलब दवाइयाँ बची हैं, इंजेक्शंस बचे हैं, जो भी है। अब जो रीसेंट अभी कुछ 1-2 महीना पहले श्री शक्ति चैलेंज माई गवर्नमेंट इन कोलेब्रेशन विद यूएन वुमेन, अब श्री शक्ति चैलेंज जो है वो भी मतलब वुमेन्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि कोविड में आपने देखा होगा बड़ी सारी जो वुमेन्स प्राइवेट सेक्टर पे काम करती थी, इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी, उनको उन पर काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जिसके चलते उन्होंने ई शक्ति चैलेंज माई गवर्नमेंट इन कोलाबोरेशन विद यूएन वुमेन के साथ इसको क्या किया गया है, इसको चलाया गया है ताकि वुमेन्स को वो कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उसके बाद आपका आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। देखिए, हेल्थ में ई गवर्नेंस का रोल है नो डाउट, एडमिनिस्ट्रेशन में है नो डाउट, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्रीकल्चर जो है उसमें ई गवर्नेंस का लाना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी वाले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट्स में लाना है। ओके, ज्ञान दूत। अब ज्ञान दूत जो है वर्क्स थ्रू
शौचालय सेटअप इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब ज्ञानदूत जो है वो वर्क करता है शौचालय सेटअप इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है ई मंडी। हम ऑफिशियल लॉन्च ऑफ वेयर हाउस बोल सकते हैं ई मंडी को, ऑफिशियली लॉन्च ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस जहाँ पे हम सामान लेने जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें मतलब सारा ही सामान मिल जाता है, तो इसीलिए इन्होंने ई मंडी रखी है ताकि जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो एक दाम पे चीज़ बिक रही है सबको इक्वली मतलब इक्विटी में चीज़ें और उनको जो उनका हक है प्रोवाइड हो, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स, अब लैंड रिकॉर्ड्स जो डिजिटाइजेशंस आया है ना लैंड रिकॉर्ड्स में, उसमें क्या है कि 26 states हैव कंप्यूटराइज्ड देयर लैंड रिकॉर्ड्स। अभी हमारी स्टेट में जैसे आपको पता है 28 state हैं, तो उसमें 26 states जो हैं उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है अपने लैंड रिकॉर्ड को। और लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कैसे हुआ है, ये ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हुआ है, ठीक है। एम किसान पोर्टल जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। ये जैसे पूसा कृषि है, एग्री मार्केट है, इंडिया वेदर है, ये जो सारे हैं ना, मतलब ये सब इनकी जो इम्पोर्टेंस है ई गवर्नेंस में वो स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। जैसे ये एम किसान पोर्टल है, इसमें ये किसानों के लिए बनाया गया है। और क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल में अगर आप कोई क्रॉप लगा रहे हो, उसके बाद आपका आता है पूसा कृषि। पूसा कृषि जो है वो हमारे फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन। और बड़ी सारी ऐसी मशीन्स होंगी जो मतलब वो बताने में मतलब चलाने में इवन मतलब किसी को पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि किसी को कोई टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं होता है। तो ये जो पूसा कृषि है ये उसके लिए बनाया गया है। एग्री मार्केट जो है वो क्या बनाया गया है कि मतलब प्राइजेस ऑफ क्रॉप को पता करने के लिए हम एग्री मार्केट पे जाके पता कर सकते हैं कि किस बीज का क्या मतलब प्राइस मिल रहा है। देन उसके बाद है इंडियन वेदर। इंडियन वेदर से क्या होता है कि हमको पहले ही पता चल जाता है। इंडियन वेदर जो पोर्टल है ये हमें पहले ही बता देता है कि मौसम कैसा है, बारिश कब होगी, अगर तूफान आने वाला होगा, मतलब कुछ भी होगा तो ये हमें पहले ही बता देगा, जिससे किसानों को मतलब अपनी खेती बाड़ी में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। देन उसके बाद है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है वो मतलब प्रोवाइड करता है डिजिटल ई लर्निंग फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। मिशन कर्मयोगी जो है वो पीएम ने लॉन्च किया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि डिजिटल ई लर्निंग फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लॉन्च किया है, जहाँ पे ई लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगी सिविल सर्विसेज को, मतलब हमारे ब्यूरोक्रेसी को। देन उसके बाद है ई कोर्ट्स। अब देखो कोविड की वजह से कोई कोर्ट में जा नहीं पा रहा है, और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ये वो मतलब इन चीज़ों के चलते ई कोर्ट्स आ चुके हैं, तो वर्चुअल कोर्ट आ चुके हैं। मतलब बड़े सारी ऐसी जगहें हैं इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से कि कोई इस कोर्ट में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है कुछ, तो ई कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, ये सब जो है ये काफ़ी हेल्पिंग रहता है क्या करने के लिए, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी मतलब ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, सर्विसेज के लिए। अब ई ऑफिस जो है वो मतलब हर जगह यूज़ होता है आजकल। कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो ईमेल के ज़रिए मतलब कैसे भी करके हम भेज सकते हैं। जैसे रिसेंटली J&K में दरबार में जो है वो हमारे मनोज सिन्हा ने क्या किया है, उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, ताकि मतलब कोविड की वजह से जो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन जाता था मतलब जम्मू टू कश्मीर, फिर कश्मीर टू जम्मू 6 महीनों के बाद, तो अब उन्होंने ये बोला है कि आप ई ऑफिस को यूज़ करिए, जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं आप ई ऑफिस के ज़रिए आप आसानी से जम्मू कश्मीर से जम्मू भेज सकते हैं और जम्मू से कश्मीर भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि एग्रीकल्चर में क्या है वगैरह वगैरह, तो अब हमने ये तो हमारा क्लियर हो चुका है एग्रीकल्चर में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, देन उसके बाद हेल्थ सर्विसेज में ई गवर्नेंस का क्या रोल है। तो थोड़ा हम अब एजुकेशन पे आते हैं कि एजुकेशन का क्या रहा है, मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेशन मान लो मतलब कोऑपरेशन। तो ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, वेब बेस्ड ई लर्निंग,
देन उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग को भी हम ऑनलाइन लर्निंग करेंगे, वर्चुअल लर्निंग को। जैसे अब वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं टीचर्स, ऑनलाइन मतलब फेस टू फेस इंट्रैक्शन स्टूडेंट टीचर्स, तो इन सबको ये जो सब हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, हमारे ई गवर्नेंस में। एजुकेशन भी एक मोस्ट पावरफुल मानिए एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, जो मतलब अभी कोविड की वजह से तो सफ़र कर रहा था, लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने उसको कंटिन्यू रखा है, मतलब इतनी ख़राब सिचुएशन के बाद भी। जैसे दीक्षा है, ई पाठशाला है, स्वयं प्रभा चैनल है, ई ग्रंथालय है, और दिशा, ये सब जो है ये हमारी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये एजुकेशनल पोर्टल हैं जो स्टूडेंट्स की तरह तरह से मदद करते हैं। एंड देन लास्टली मनोज सिन्हा हमारे JNK के, उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन एक पोर्टल तैयार किया है टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन JNK। ई गवर्नेंस इन JNK हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की, ये अभी रिसेंट, ये हमारा रिसेंटली उन्होंने, मनोज सिन्हा ने जो पोर्टल JNK में लॉन्च किया, और JNK में कोविड के चलते और भी काफ़ी सारे पोर्टल हुए हैं मतलब लॉन्च ऑनलाइन ई गवर्नेंस के लिए, तो सबको यहाँ पे डिस्कस चंद स्लाइड्स में डिस्कस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको ब्रॉड में कंटेंट चाहिए तो आप बोल सकते हो। देन बाकी जो मैंने डिस्कस करा है इसमें ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आप इन सबको एक बार नेट पे भी सर्च करिए, आपको इससे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपकी नॉलेज इन्हेंस होएगी। चलो, थैंक यू, बाय बाय।